अगर आप एक रूम को अच्छे से डिजाइन करना चाहते हो ना, तो उसको स्टार्ट करना चाहिए फ्लोरिंग से। ये कैसी फ्लोरिंग आएगी स्पेस में, क्यों? क्योंकि 50% जो लुक होती है आपके स्पेस की, वो फ्लोरिंग डिसाइड करती है, आपको पता चले या ना चले। और ज्यादातर जो फ्लोरिंग में यूज होता है वो होती है टाइल्स। और टाइल्स कैसे चुनोगे, इतनी सारी वेराइटी है मार्केट में कि चुनना ही मुश्किल हो जाता है। देखो, सिंपल सा रूल है, उसका स्टाइल देखो आप चाहते कैसा हो। जैसे कि मान लो कोई साइलेंट सा इंसान है, बहुत सिंपल रहना पसंद करता है, तो उनको प्लेन टाइप की टाइल्स पसंद आएंगी। प्लेन हो, बेज हो, कलर्स भी आपको ग्रे टाइप के कलर पसंद आ सकते हैं, ऑफ वाइट पसंद आ सकते हैं, लेकिन उन्हें पैटर्न वाली टाइल नहीं पसंद आएंगी मोस्ट प्रोबेबली। वहीं कोई आर्टिस्टिक नेचर का इंसान है, कलर्स क्राफ्ट्स बहुत पसंद है उसे, तो उन्हें ये प्लेन टाइल्स पसंद नहीं आने वाली, उन्हें पैटर्न टाइल्स पसंद आएंगी। और वो भी कुछ आर्टिस्टिक नेचर की होती हैं, कुछ कंटेम्प्रेरी होती हैं, कुछ होती हैं जो स्कैंडिनेवियन होती हैं, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। लेकिन ये ध्यान रखना, जितनी बड़ी टाइल्स होती हैं, साइज जितना बड़ा होता है उतनी ही लैविश फील देती हैं टाइल्स, हालांकि जितनी छोटी टाइल्स होती हैं वो उतनी बेटर क्वालिटी की होती हैं। अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो दो मेन टाइप की टाइल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लोग बहुत कंफ्यूज करेंगे, सर ये वाली टाइल ना सबसे अच्छी होती है, ये वाली टाइप की टाइल ना इससे भी अच्छी होती है, मैम ऐसी वाली टाइल ले लो वो बेहतर है। सिर्फ ये तरीके हैं पैसे लेने के उनके, लेकिन मेनली दो टाइप की टाइल्स ही मार्केट में अवेलेबल है। एक है सिरेमिक टाइल और दूसरी है विट्रीफाइड टाइल। सिरेमिक टाइल सिर्फ और सिर्फ दीवारों पर लगाई जाती है, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि सिरेमिक टाइल्स हल्की होती हैं विट्रीफाइड टाइल्स से, और उनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है दीवार के साथ, सीमेंट के साथ। क्योंकि सीमेंट के साथ अगर आपका बॉन्ड अच्छा नहीं बना हुआ और आपने दीवार के ऊपर 10 फीट ऊंचे तक टाइल्स लगा रखी है और वो अचानक से गिरती है, तो आपको चोट पहुंचाने वाली है। इसीलिए जरूरी है कि वो दीवार के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाए, इसीलिए सिरेमिक टाइल्स यूज होती हैं। इनमें पानी को सॉक करने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए ये पानी वाली एरियाज में फ्लोरिंग में नहीं लगाई जाती, क्योंकि जैसे ही पानी वो एब्जॉर्ब करेंगी तो वहां पे दाग पड़ जाते हैं, स्टेन्स आ जाते हैं। इसी वजह से विट्रीफाइड टाइल्स जो है फ्लोरिंग में लगाई जाती है। विट्रीफाइड टाइल्स एक तो सिरेमिक टाइल्स से मजबूत होती हैं, तो वो हैवी लोड को बियर कर सकती है आराम से। विट्रीफाइड टाइल्स टूटती नहीं है, सिरेमिक टाइल्स अगर आप फ्लोरिंग में लगा दोगे तो वो टूट जाएंगी। सिरेमिक टाइल्स को आपको सिर्फ दीवारों में लगाना है और विट्रीफाइड टाइल्स को सिर्फ फ्लोरिंग में ही लगाना है। आप इसके अलावा अगर उल्टा कर देते हो ना, विट्रीफाइड टाइल आपने दीवार पे लगा दी, तो उसका बॉन्ड जो है इतना अच्छा बनेगा नहीं, क्योंकि वो पानी ज्यादा सोक नहीं करती, तो गिर सकती हैं। और सिरेमिक टाइल आपने फ्लोरिंग में लगा दी तो स्टेन्स भी आ सकते हैं, और ऊपर से वो टूट जाएगी क्योंकि वो वीक होती है। दीवार के ऊपर थोड़ी प्रेशर पड़ना है, लेकिन फ्लोरिंग के ऊपर तो प्रेशर पड़ेगा और वो टूट जाएगी। लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि सिरेमिक टाइल कौन सी है और विट्रीफाइड टाइल कौन सी है? सामने से बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप बैक साइड पे देखोगे तो विट्रीफाइड टाइल ऑलमोस्ट व्हाइट कलर की आपको दिखाई देगी, या फिर ग्रे कलर की टाइप की दिखाई देगी। वहीं सिरेमिक टाइल जो होती है वो टेराकोटा टाइप की दिखाई देती है, या फिर थोड़ी सी रेडिश होती है। आपको देखते ही पहचान आ जाएगा सिरेमिक टाइल्स हैं या विट्रीफाइड टाइल्स हैं। विट्रीफाइड टाइल्स का ही एक टाइप है एंटी स्किड टाइल्स, जो पानी डलने के बावजूद भी फिसलती नहीं है। यही टाइल्स यूज की जाती हैं किचन्स में और बाथरूम्स में, क्योंकि वहां पानी वगैरह गिरा ही रहता है यूजली। कुछ विट्रीफाइड टाइल्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और वो ऊपर की लेयर जो होती है, उनकी प्रिंटिंग होती है जो टाइल के ऊपर, वो घिस जाती है, इसीलिए वहां पे डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स लगाई जाती है। विट्रीफाइड टाइल का एक टाइप है जो ऊपर से प्रिंटिंग होती है जिसकी, वो थोड़ी थिक होती है, उसी को बोलते हैं डबल चार्ज। इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जहां पे ज्यादा यूज होना है ना बहुत टाइल्स का, वहां पे टाइल्स लगाई जाती है, ताकि घिस भी जाए तो उसकी लुक खराब ना हो। वहीं अगर आपको किचन के काउंटर पे लगानी है, या कहीं भी ऐसी जगह लगानी है जहां से साइड से टाइल दिखाई देने वाली है, वहां पर फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स लगती हैं, क्योंकि वो फुल बॉडी में पूरा का पूरा ही प्रिंटिंग होता है। कहीं से भी काट लो आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे रफ सरफेस आया कहीं भी, इसीलिए ये एक्सपेंसिव होती है। वहीं से यूज करो जहां पे सिर्फ दिखाई देने वाला है साइड्स। टाइल्स के कितने चार्जेस आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी फ्लोरिंग ऑलरेडी है, उसको तोड़ने वाले हो फिर टाइल्स लगाने वाले हो, तो सबसे पहले डिमोलिशन का चार्ज आएगा, तोड़ने का चार्ज आएगा, वो ऑलमोस्ट 7-8 रुपीस पर स्क्वायर फीट होता है। उसके बाद टाइल्स लोगे आप तो टाइल्स का भी खर्चा आएगा। वैसे तो सिरेमिक टाइल्स 20 रुपीस स्क्वायर फीट और विट्रीफाइड टाइल्स 30 रुपीस स्क्वायर फीट से शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसकी अपर लिमिट कुछ नहीं है। 200 रुपये स्क्वायर फीट भी मिल जाएगी, 300 रुपये स्क्वायर फीट भी मिल जाएगी, तो वो आप पे है ओपनली। लेकिन एक एवरेज बोलूँ तो 45-50 रुपीस स्क्वायर फीट में ठीक ठाक टाइल्स आ जाती हैं। उसके बाद लगाने वाले की भी कॉस्ट आएगी, जो लेबर है प्लस जो मटेरियल लगेगा लगाने के लिए टाइल्स को, सीमेंट सैंड इन सब चीज़ों की भी कॉस्ट होती है।
है उसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट। लास्ट में सब कुछ होने के बाद ग्राउटिंग करी जाती है, यानी टाइल्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पाउडर फिल किया जाता है, उसकी भी कॉस्ट होती है। तो अगर मैं रफली बोलूँ तो एवरेज जो है वो 120 to 130 रुपीज पर स्क्वायर फीट में टाइल्स लग जाती है। ये कॉस्ट आप कितनी भी ज्यादा कर सकते हो ये आपकी चॉइस है, क्योंकि बहुत सारे टाइप की टाइल्स अवेलेबल है, मैंने सिर्फ एवरेज बताया है। अगर आप ब्रांडेड टाइल्स लेते हो तो ब्रांडेड टाइल्स महंगी आती हैं, वहीं अगर आप एक नॉर्मल टाइल लेते हो जो ब्रांडेड नहीं है, नॉन ब्रांडेड है, वो सस्ती आती हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। अगर आप बजट पे काम करना चाहते हो ना तो आपको ब्रांडेड टाइल्स नहीं लेनी चाहिए, नॉन ब्रांडेड टाइल्स लो, क्योंकि ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। अगर आपके सामने दोनों पड़ी है ना तो आप मार्जिनली डिफरेंस देख सकते हो, ब्रांडेड टाइल की शाइन ज़्यादा होती है, दिखने में ज़्यादा अच्छी होती है थोड़ी सी पॉइंट में, लेकिन अगर आपके सामने ब्रांडेड टाइल पड़ी ही नहीं तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये नॉन ब्रांडेड टाइल है या ब्रांडेड टाइल है, अगर आपको पता नहीं है तो। इतनी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है नॉन ब्रांडेड टाइल्स में भी। लेकिन जो अगर बड़ी साइज ले रहे हो ना, ब्रांडेड टाइल्स लो तब, क्योंकि बड़ा साइज अच्छा तो लगता है नो डाउट, लेकिन अगर आप नॉन ब्रांडेड ले लेते हो ना तो उसमें थोड़ा सा बेंड होता है कई बार और वो टाइल वेस्ट हो जाती है, इसीलिए ब्रांडेड ही लो अगर आपने बहुत बड़ी साइज की टाइल लेनी है। लेकिन नॉन ब्रांडेड टाइल्स में वेराइटी हमेशा ज़्यादा मिलती है। प्लस एक चीज़ और ध्यान रखने वाली होती है, नॉन ब्रांडेड टाइल्स अगर आप ले रहे हो ना तो एक ही बार में जितनी टाइल्स लेनी है सारी ले लो, क्योंकि अगर आपने ब्रेक में ली, जैसे आप किसी परचेज करने गए किसी शॉप पे और उसने बोला सर मेरे पास अभी इतनी पीस नहीं पड़े जितनी आपकी डिमांड है, बाकी आप इतने ले जाओ बाकी मैं मंगवा के दे दूंगा, तो ये कभी मत करना नॉन ब्रांडेड टाइल्स में, क्योंकि नॉन ब्रांडेड टाइल्स में लॉट होता है ना, जो एक लॉट में जो भी माल आया है टाइल का वो अलग होता है थोड़ा सा, और दूसरे लॉट में आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन वहीं ब्रांडेड टाइल्स में ये फ़ायदा होता है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कितने टाइल्स लगने वाली हैं, अगर और आपने कुछ ले लिया और फिर आपका कम पड़ गया फिर दोबारा ले रहे हो ना, तो प्रिंटिंग का जो होता है ना टाइल के ऊपर वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है। नॉन ब्रांडेड टाइल्स में हमेशा आपको एक बार में ही टाइल्स ले लेनी पड़ेगी, इनफैक्ट थोड़ी बहुत टाइल्स आपको एक्स्ट्रा लेनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 10%, ताकि अगर कुछ ख़राब निकलती है या कुछ भी ऐसा होता है कि टूट गई है तो रिप्लेसमेंट आपके पास अवेलेबल हो। अगर आप नॉन ब्रांडेड टाइल्स ले रहे हो और वो एंटी स्किप विट्रीफाइड टाइल्स हैं तो ये बात ध्यान रखना कि कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि विट्रीफाइड टाइल्स में मैट फिनिशिंग की टाइल्स भी आती हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिसले ना। तो आप अगर विट्रीफाइड टाइल ले रहे हो वो भी एंटी स्किप, तो पानी डाल के पैर से खींच के देख लेना लेने से पहले, ताकि वो आपको क्लियर हो जाए कि ये कुछ ना कुछ मतलब ऐसे फिक्शन होना चाहिए उसमें। अगर वो सिंपल टाइल होएगी मैट फिनिशिंग में तो उसमें फिक्शन नहीं होगा, वो फिसलेगा, आप सिंपली उसको चेक करके देख लेना अगर नॉन ब्रांडेड है तो। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख लेनी है। अगर वो अच्छी लेबर है जिससे आप लगवाने वाले हो तो वो आपकी टाइल जो है ना सबसे पहले एल शेप में लगाएगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि वो एल शेप में लगा रहा है कि नहीं, अगर उसने ये काम सही कर दिया तो आपका जो टेंशन है वो ख़त्म। लेकिन अगर उसने आपके रूम में एल नहीं लगा के ऐसे एक एक रो में लगानी शुरू कर दी है, दैट मीन्स वो स्किल लेबर नहीं है, आपको उसको बदलने की ज़रूरत है। आप अपनी लेबर से जो कटिंग करवाओगे टाइल्स की, उन्हें सिंपली इतना सा बोलना है कि डायमंड ब्लेड से काटना, क्योंकि कोई भी और ब्लेड वो लेते हैं ना तो वो सस्ता ज़रूर होता है, उनका फ़ायदा हो जाता है ब्लेड में, लेकिन आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब वो टाइल की कटिंग करते हैं अगर वो डायमंड ब्लेड नहीं लिया है उन्होंने तो जो एजेस होंगे टाइल्स के वो कहीं ना कहीं भुर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और जो बचा हुआ पीस होता है टाइल का वो कहीं और यूज़ करने लायक नहीं रहता है। एक और पॉइंट है, जो सैंड होती है अगर वो 3 कट्टे डले हैं और 1 कट्टा सीमेंट का डला हुआ मिक्सचर है, यानी 1:3 की रेशो में सैंड और सीमेंट ली गई है, तो वो बेस्ट होता है टाइल्स के लिए। क्योंकि अगर सीमेंट आपने ज़्यादा डलवा दी, सैंड कम डलवाई है, तो आपका जो टाइल है ना उसमें क्रैक बन जाते हैं कई बार, और अगर सीमेंट कम डली हुई है ना तो वो ऐसे टाइल धीरे धीरे ओवरलैप करने लग जाती है, उखड़ जाती है नीचे के सरफेस से, इसीलिए ये ज़रूरी है कि रेशो मेंटेन करी जाए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं कर रहा है ना तो आपकी टाइल्स में प्रॉब्लम आएगी। आखिरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से वो होती है ग्राउटिंग, मतलब टाइल्स के बीच में जो जॉइंट बनते हैं ना उसमें पाउडर डलता है, उस पाउडर में अगर आप हार्डनर मिलवा लेते हो तो उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अदरवाइज आपका क्या होगा, बार बार वो ग्राउटिंग बाहर आ जाएगी और आपको बार बार फिलअप करवाना पड़ेगा, हर साल 20-25,000 रुपये का एवरेज खर्चा, अगर आपका 1,000 स्क्वायर फीट का घर भी है तो 20 से 25,000 रुपये का खर्चा इसमें आ जाता है।
और अगर आपका सही डला हुआ है तो इसकी लाइफ जो है बहुत लंबी हो जाती है। बस लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको यही ध्यान रखना है और बाकी सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। खरीदते हुए टाइल्स कैसे ध्यान रखोगे, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अगर आपको अच्छे से लेना आता है तो आप नॉन ब्रांडेड टाइल्स भी बहुत अच्छी ले सकते हो, प्लस आपके कलर कॉम्बिनेशन कैसे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के टाइल्स लगवाते हो ना, नंबर वन देखने में बहुत अच्छी लगेंगी, नंबर टू उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी। अब आपकी मर्जी से आप उसको चेंज करवा रहे हो तो दैट्स ओके, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ जाए फिर चेंज करवाओ तो वो एक प्रॉब्लम होती ही है ऑब्वियसली। सो दैट्स इट गाइस फॉर टाइल्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।